हेलो, वेलकम बैक। एंड आप देख रहे हैं अल्फा सूट्स। भाई साहब, एक होती है वेदिति, एक होती है घनघोर वेदिति, और फिर आती है वेदिति अल्ट्रा प्रोमैक्स। और सेम वही जो कल इंडिया वालों के साथ में हुआ। कल काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तान वालों को भी टीवी फोड़ने की जगह पटाखे फोड़ने का एक सुनहरा मौका आखिरकार मिल ही गया। हुआ यूं कि कल पाकिस्तान वालों ने विराट कोहली की एक कमजोरी का फायदा उठाया। एक मिनट, विराट कोहली की कमजोरी? जी हाँ, विराट कोहली की टॉस हारने की पुरानी आदत। विराट कोहली ने आईपीएल में 4-5 बार टॉस जीतकर इस साल का कोटा पहले ही पूरा कर लिया था। और पाकिस्तान जब जब टॉस जीतता है तो जीते हुए उस कॉइन से उनकी इकोनॉमी अच्छी बढ़ जाती है। खैर, टॉस हार कर पहले खेलने उतरी टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को साइन आफरीदी ने पेवेलियन भेजते हुए अपने ओपनिंग किलर के टेक को बरकरार रखा। साइन आफरीदी अपने पहले ही ओवर में सामने वाले टीम के ओपनर को आउट करने के लिए मशहूर हैं। लेकिन हम भी फुल चोड़ में थे कि भाई अपने ओपनर देख लेंगे। लेकिन शर्मा जी के लड़के को जैसे ही फुल लेंथ यॉर्कर बॉल पड़ी तो एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। और अपने दूसरे ही ओवर में आफरीदी ने केएल राहुल को बोल्ड करते हुए ओपनिंग केलर के टेक को जस्टिफाई किया। और फिर जैसे ही हसन अली ने सूर्य कुमार को अस्त किया, वैसे ही करवा चौथ के दिन हमें जल्दी ही चांद और तारे नजर आ गए। और इसी वक्त ये महसूस हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी को बतौर मेंटर नहीं बतौर खिलाड़ी टीम में होना चाहिए था। हालांकि कप्तान कोहली ने इसके बाद मोर्चा संभाला और ऋषभ पंत के साथ में एक अच्छी साझेदारी की। और पंत ने जब जब चौका छक्का लगाया, कैमरामैन ने उर्वशी रुटेला को दिखाया। विराट कोहली ने 49 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली, जिसके बदौलत टीम इंडिया एक खराब शुरुआत से उबर पाई और 151 रनों का सगुन स्कोरबोर्ड पे छड़ा दिया। स्कोर देख के लगा कि हम भी कॉम्पिटिटिव हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अगर निपट जाते हैं तो ये मैच हम जीत सकते। लेकिन बाबर और रिजवान निपटने नहीं बल्कि निपटाने के मूड से आए थे। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान यूएई में अभी तक एक भी मैच नहीं आ रहा है। वहीं 2021 के T20 मैचों में बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी में सबसे ज्यादा रनों की ओपनर पार्टनरशिप की है और कल भी उन्होंने यह सिलसिला बरकरार रखा। कल सब यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाए तो फिर से ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। लेकिन बाबर और रिजवान ने कल विकेट से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए वर्ल्ड कप में पहली बार टीम इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया और होपफुली लास्ट बार भी। और जो काम इमरान खान, जावेद मियादाद और इमाम हुल हक जैसे दिग्गज नहीं कर पाए, बाबर आजम ने कर दिखाया। खैर, उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया आगे अपने इस प्रदर्शन को बरकरार नहीं रखना चाहेगी और एक अच्छी शुरुआत टीम इंडिया यहां से अपने इस वर्ल्ड कप में करेगी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आगे के मैचों में क्या टीम इंडिया को अपने प्लेइंग 11 में बदलाव करना चाहिए या यही प्लेइंग 11 आगे के लिए रखना चाहिए।